हम लोग निकल चुके हैं। एक्चुअली कल हमारे क्लास में सर हमें पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने ही बताया कि पीछे बॉटनिकल गार्डन है, तो आज हमारा मन कर दिया और हम लोग वहाँ चल रहे हैं और देखेंगे वहाँ पे नए नए पेड़ पौधे को और आपको भी दिखाते हैं। हम शक्ति भवन आ गए हैं। अब शक्ति भवन से एक और अपना पार्टनर है, उसे हम कैरी करेंगे और फिर हम निकलेंगे यहाँ से बॉटनिकल गार्डन पे। पार्टनर के पास पहुँचेंगे, उसे हम खोजते खोजते ही लग रहा है रात हो जाएगा, पता नहीं कहाँ पर वो भी खो चुका है इस बड़े से लखनऊ से शहर में। चलिए चलते हैं, आगे ही है कहीं पे वीर बहादुर पार्क के पास, अभी घूम रहे हैं। गाइज हमारा दोस्त देखिए सामने खड़ा है, अपने नाखूनों को देख रहा है, सज धज के खड़ा है एकदम रेडी वेडी हो करके। और भाई सब कैसा हाल चाल? ठीक बढ़िया। हमसे हमारा बॉटनिकल गार्डन बस 700 मीटर ही दूर है और हम चल रहे हैं, पैदल ही पैदल चलेंगे और धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। हमारे साथ नज़ारा देखते रहिए। बस सामने ही हमारे दिखाई दे रहा है, आपको भी हम दिखाएंगे अपने साथ साथ बॉटनिकल गार्डन, वहाँ के सुंदर सुंदर पेड़ पौधों को भी, उनमें से खिले हुए फूलों को। चलिए देखते हैं। दुर्भाग्यवश हमारे मित्रों को आज घूमने का अवसर नहीं प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे घूमने का टाइम सुबह 5:30 बजे और हम गलत टाइमिंग पर आ चुके हैं, इसलिए गार्ड वाले भैया बोले हैं कि अभी नहीं, कहीं और जाइए, घूमिए अम्बेडकर पार्क घूमिए, जनेश्वर पार्क घूमिए, घूमिए घूमिए, बस घूमते रहिए बोले हैं। पर इन लोग का देख सकते हैं शकल, बेचारे लोग का उतर चुका है, इतने धूप में आए हैं पैदल पैदल चल करके, लेकिन इन लोग का हालत ख़राब हो चुका है। ये सभी लोग घूमने ही आए हैं पर कोई घूम नहीं पा रहा है। तभी अभी यहाँ से कुछ पौधों को देख सकते हैं, देखिए कितने सुंदर सुंदर खिले हरे भरे पौधे हैं, पर हमारे दोस्तों का चेहरा मुरझा चुका है बेचारे लोग का। चलिए तब भी हमारे साथ आप थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, हम थोड़ा सा घूम रहे हैं। ये देखिए अब नेक्स्ट कभी और दिन आएंगे सुबह के समय 5 बजे, तब जाके घूम पाएंगे, क्योंकि यहाँ का टाइमिंग ही बस है 3 घंटे के लिए। तब देखिए इन लोग के चेहरे की मुस्कुराहट, ये सब दुखी की हंसी है जो इनके चेहरे से निकल निकल के दिखाई दे रही है, और यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ये गार्ड अंकल हम लोग को भगा दिया। अब अपने चरणों को विराम देते हुए यहीं से हम आपको अलविदा कहते हैं, बाय बाय, सी यू, टाटा। को यहाँ पे विराम नहीं दे रहे हैं हम, यहाँ सब चलेंगे सहारागंज मॉल। अब आज निकले हैं तो घूम के ही चलेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि इन भाई साहब का बहुत मन है घूमने का, देख सकते हैं बेचारे एकदम उदास हो चुके हैं। तो भाई सर ने हमें बताया था, टाइम नहीं बताया, पर टाइम बता दिए तो हम लोग टाइम से आए थे। के हिसाब से सड़क भी है, देख सकते हैं पूरा सड़क हरा भरा एकदम, पूरा नाम बॉटनिकल गार्डन और जगह भी पूरा बॉटनिकल ही जैसा है, वनस्पति जगत ही देख के लग रहा पूरा ही है। हम सहारागंज मॉल आने ही वाले, ये गेट पीछे गेट नंबर 4 है, पर हम गेट नंबर 1 से एंट्री करेंगे क्योंकि इधर से आज बंद किया गया है। देखिए हमारे भाई लोग वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं और इनके चेहरे का खुशी देखिए, ये बस सहारागंज मॉल में घुसने के लिए, बस नहीं ये वहाँ के कपड़ा नहीं देखना चाहते हैं, वहाँ के कपड़ों को देखना चाहते हैं। सहारागंज घूमते घूमते हम इमामबाड़ा के पास आ चुके हैं, हमारी आँखें यहाँ पर खुली की खुली और फटी की फटी रह गई, यहाँ पर हम क्या खोज रहे थे और क्या मिल चुका, पर हम यहाँ इसको कभी हम कभी और आपको घुमाएँगे, पर अभी हम जहाँ निकले हैं वहाँ पे चलते हैं। कहाँ पे? सहारागंज मॉल। चलिए देखिए, ये रहा यहाँ पे लखनऊ का बिगेस्ट फूड हब है यहाँ पे, और उसके बगल में ही रॉयल कैफ़े है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको खाने के लिए हर चीज़ मिलेगा, यहाँ पे वेज नॉन वेज हर चीज़ मिलेगा, बहुत टेस्टी टेस्टी यहाँ पे खाना होता है। हम आ चुके हैं सहारागंज मॉल में, चलते हैं लेकर के सहारागंज मॉल। देखिए खुलने का टाइम सुबह 11 से रात 11 बजे तक। ये देखिए सहारागंज मॉल, पूरा घूमेंगे आज हम इसे, केवल घूमेंगे, बस हम घूमेंगे यहाँ पे और कुछ नहीं करेंगे। चलिए देखिए सहारागंज मॉल का ये अंदर का थोड़ा सा लुक, लुक बहुत यहाँ का फिट एंड फाइन लग रहा है, ऑसम किस्म का लुक है। चलिए ये हमारे भाई लोग को देखिए कितना खुश हैं लोग देख के। ये यहाँ का स्कैनर है, इससे ही हमको पास में रहता है पास। आ चुके हम सहारागंज मॉल में लखनऊ के इस सुंदर से, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो चाहिए वो। आ चुके हैं देखिए, हम
हमारे भाई लोग अब लेडीज का कपड़ा खरीदेंगे यहाँ से। आज हम आपको दिखा रहे हैं, कल आप आके खुद देखिए इन लोग की जैसा जैसा ये लोग आज देख रहे हैं हमारे साथ, उसी तरह आप लोग भी आके देखिए कैसा ये मॉल, बहुत गजब का मॉल है। साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा, देखिए अभी भी एक वर्कर साफ़ कर ही रहा है लगातार, कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम यहाँ पे कर ही रहा है। चलिए अब लिफ्ट में चलेंगे हम, लिफ्ट से फिर ऊपर आइए, आप एस्केलेटर से चलते हैं भैया लोग, जल्दी वहाँ से हटो। हमें एक बार बोल दो तुम लोग को, जल्दी वहाँ से हटो, जल्दी वहाँ से हटो, हमें ले भी जाना है कि आ चुके हैं हम। एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं, यहाँ पे हर एक चीज़ आपको ब्रांडेड मिलेगा, कैटवॉक देखिए, मेरे यहाँ पे ड्रेस बारी बारी से, एक तरफ स्लीपर, एक तरफ सूट, एक तरफ सब लुइस फ्लिप। ये बहुत बड़ा है, देखिए हमारे भाई खो चुके हैं देखने में, देखिए एकदम खो चुके हैं, नीचे पता नहीं क्या देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आइसक्रीम मेकअप है, देखिए ये देखिए भैया कैसे आइसक्रीम बना रहे हैं यहाँ पे, चलिए चलते हैं यहाँ से अब सेकंड फ्लोर पे। यहाँ पे शूज है, सब स्नीकर्स का है, यहाँ पे रीबुक का है, सारा स्पोर्ट का यहाँ पे सामान मिलेगा आपको, एडिडास का यहाँ पे शूज, हर एक ब्रांड का यहाँ पे आपको चीज़ मिल जाएगा, आप देखेंगे तो। ये न्यूमिरो यूनो, कपड़े इसके बहुत ही यूनिक होते हैं और स्टाइलिश होते हैं। ये देखिए हमारा भाई क्या कर रहा है, एस्केलेटर में भी जल्दी जल्दी भाग रहा है कि ऊपर पहुंचना है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, आप जितना सोच नहीं सकते उससे भी ये बड़ा है, पर इससे भी बड़ा यहाँ का लुल्लू मॉल है, वहाँ पे भी कभी चलेंगे घूमेंगे देखेंगे क्या होता है। ये यहाँ का थर्ड फ्लोर, यहाँ पे आपको खाने का सामान मिल जाएगा, कुछ गिफ्ट का सामान मिल जाएगा, देखिए खाने का ये सारा सामान है यहाँ पे, इस फ्लोर पे सारे ग्रोसरी के सामान मिल रहे हैं ना भाई। देखिए यहाँ पे नॉर्मल शॉप के यहाँ पे उससे थोड़े से अधिक ही कॉस्ट पे आपको मिलेंगे। ये देखिए मेरा भाई कोल्ड ड्रिंक ले लिया, पर उसे पता ही नहीं है कहाँ पे फिलिंग कराना है, घूम रहा है यहाँ पे इधर उधर हाथ में कोल्ड ड्रिंक। चलिए मैं आपको इसके पीछे पीछे लेके चलता हूँ, देखिए ये भी फिलिंग कराएगा, भैया से पूछ रहा है भैया फिलिंग कहाँ पे करना है, भैया बोल रहे हैं सीधे जाके एकदम राइट ऊपर, एकदम आगे राइट से बाहर। मेरे भाई को फिलिंग कराने के लिए कोई जगह ही नहीं मिला, इसलिए इसे वापस अंदर डाल दे रहा है, दुखद बस उसके चेहरे का सारा रौनक उतर चुका है। मेरा भाई यहाँ पे भटक चुका है, घुसा उधर से था आ गया इस साइड, बेचारा सोच रहा है सीढ़ी कहीं भी मिले। आगे सीढ़ी हमें मंजिल दिखाई दे रही है, अभी हम पहुँचेंगे सीढ़ी पे। भाई को मेरा लग रहा है टी शर्ट पसंद आ गया, वो देख रहा है, पर ओहो पर कॉस्ट देख के भाई लोग को छोड़ना पड़ गया। मेरा भाई मैंगो जूस लगा रहा है, ये देखिए भैया लगा रहे हैं मैंगो जूस, और भाई पी के बताओ कैसा है, भाई पी के बताओ कैसा लग रहा है। ओहो ये तो कह रहा है सहारागंज के फेमस मैंगो शेक के जूस पे कह रहा है बकवास लग रहा है, गजब बेइज्जती है भैया के सामने, भैया भी हंस रहे हैं। शेक कॉर्न है, इसमें आपका जो है पहले शेक कॉर्न डालेंगे, फिर उसके बाद बटर डालेंगे, फिर उसके बाद आपका नमक है, मसाला है, मिर्च रहेगा, ये बन बना के आपका जो है फिर तैयार हो जाएगा शेक कॉर्न। स्वीट कॉर्न कैसे बनता है, बहुत बढ़िया है भैया हमारे,
हमारे भाई लोग यहाँ पे जूस पी के बहुत मज़ा नहीं आया है, पर कोई बात नहीं, बस पी के एनर्जी तो आ ही गया होगा। ये सारा गंज यहाँ पे भूत बंगला, यहाँ पे एंट्री फीस 100 रुपये पर पर्सन, भूत बंगला। हमारे भाई लोग जाके पूछ रहे हैं टिकट का वैल्यू क्या है, कॉस्ट क्या है। ये रे भूत बंगला की चूड़ा है, सुपर। ये पूरा गेमिंग का, यहाँ पे आपको गेम वगैरह खेलना है तो खेल सकते हैं यहाँ पे गेम वगैरह आप। ये देखिए हमारे भैया यहाँ से निकाल रहे हैं। भैया निकाल नहीं पाए, इनका टाइम खत्म हो गया। तो हम यहाँ से निकलने वाले हैं, यहाँ से सारे गंज मॉल से घर के लिए, क्योंकि शाम हो चुकी है, इसलिए हम घर निकलेंगे यहाँ से। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।